नमस्कार किसान साथियों, आप देख रहे हैं अनिपुर फार्मर यूट्यूब चैनल। और मैं आज जो आपको जानकारी देने वाला हूँ, ये जो पहला सीज़न आया है बारिश का, पहली बारिश हुई है अभी 10 दिन पहले, और ये 10 दिन में काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर गया है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये करीब एक हाथ से ज़्यादा जो नई फुटान है वो एक हाथ से ज़्यादा एक ही बारिश में ये बढ़ चुका है। ये देखिए, मैं आपको नाप के बताऊँ, यहाँ से करीब स्टार्ट किया है। आप देख सकते हैं ग्रीन भूरा जो दिख रहा है, वहाँ से नया जो फुटान है, नई बढ़ोतरी हुआ है। ये देखिए, एक हाथ से ज़्यादा ये बढ़ चुका है, और ये काफ़ी बारिश में काफ़ी अच्छे से काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ करता है। कोई भी बेर का जो वैरायटी का जो बगीचा हो, या कोई भी बेर का पौधा हो, वो काफ़ी अच्छे से ग्रोथ करता है। और मैं इनमें क्या देता हूँ, मैंने आपको पहले वीडियो में बता रखा है। तो अभी मैं इनमें देसी खाद डालने वाला हूँ, जो बकरी का खाद लाया था। और ये आप देख सकते हैं, इनमें एक प्रॉब्लम आ गई है कि जो ये अभी क्या है, एक बार बारिश हुई है तो चारों तरफ खेत हैं जो अपने यहाँ खाली पड़े हैं, उनकी जुताई हो चुकी है। तो जो जितने भी कीट पतंगे थे, उनको यहाँ हरियाली दिखी, तो वो इस हरियाली में आके इनके पत्तों को खा चुके हैं। और इनमें ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, एक छोटा सा कीटनाशक देना है, हल्का सा, उसी से वो जो कीटनाशक है, उससे जो कीट हैं जो पत्ते खाने वाले, वो मर जाते हैं। इतना ज़्यादा हैवी ट्रीटमेंट की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये चाहे कोई भी बेर की वैरायटी हो, तो इसमें मैं आगे आपको वीडियो में दिखाऊंगा कि मैं कौन सा कीटनाशक यूज़ करता हूं, वो मैं पहले भी दिखा चुका हूं, और मैं किस तरह ये देता हूं कीटनाशक। तो आइए आपको आगे दिखाता हूं, और इसमें क्या प्रॉब्लम आई है वो पहले दिखाता हूं। पहले तो किसान साथियों, आपको अपने इस बगीचे की थोड़ी वो दिखाऊँ नज़दीक से, कि जो बारिश, एक बारिश में ही इन्होंने कितना अच्छा ग्रोथ किया था। ये आप देख पा रहे होंगे, काफ़ी पौधा जो है काफ़ी स्वस्थ है एकदम। जो गर्मियों में अपने यहाँ राजस्थान में लू चलती हैं, उनसे थोड़े झुलसे झुलसे से ऐसे दिखते थे, एकदम स्वस्थ नहीं थे। और अब आप देख सकते हैं कितना अच्छा। और ये एक जो गर्मियों में फ्लोरिंग होती है, उसका एक जो बेर है, ये मैंने छोड़ दिया था। काफ़ी बेर मैंने तोड़ कर फेंक दिए थे ज़्यादातर सभी, क्योंकि उनको रखना ठीक नहीं है। और यह आप देख सकते हैं, आपको नज़दीक से दिखाऊंगा कि इस पौधे में जो नई फुटान है, एक बारिश में 10 दिन बाद कितना हो गया। ये देखिए, यहाँ से इसने फुटान स्टार्ट किया है, क्योंकि नई शाखा यहाँ से दिख रही है। और यह आप देख सकते हैं, और पौधा है जो काफ़ी स्वस्थ है। आप देख सकते हैं पत्तों पर भी खिलावट है एक ही बारिश में। बारिश का जो पानी होता है वो काफ़ी पौष्टिक होता है, कोई भी पौधे हो चाहे। ये देखिए, इन पौधों में नई शाखाएँ अपने आप दिख रही हैं, जो पूरी ग्रीन है। ये देखिए, अब यहाँ से यहाँ तक इसने एक ही बारिश में इतना बढ़ चुका है ये। और मैं अब आपको दिखाऊंगा, जो कीट हैं वो पत्तों को खा चुके हैं, उन पत्तों को आप दिखाऊंगा कि वो पूरी एक तरह से जाली बना दी है। ये देखिए, पूरा जो पत्ता है वो जाली बना दिया है, एकदम पूरा खा चुके हैं। ये देखिए आप, ये दिख रहा हो, इस तरह से वो 10 से 15 पौधों में खा चुके हैं। तो इसमें मैं कीटनाशक का आज ही इसमें स्प्रे करने वाला हूँ। स्प्रे करने से पहले ही आपको मैंने वीडियो बनाया है। और ये देखिए, काफ़ी पौधों को नुकसान पहुँचाया है। ये देखिए आप, पूरे पत्ते खा गए हैं। और जब कीट पतंगे पत्ते ही खा जाएंगे, तो पौधे फिर कैसे ग्रोथ करेगा, कैसे जीवित रहेगा। ये देखिए आप, इसमें तो काफ़ी पूरी डाली की डाली साफ़ कर दी है। ये जो पूरी टहनी है, जितने इस टहनी में पूरे पत्ते थे, वो सभी साफ़ कर दिए हैं। ये देखिए, ये देखिए आप, इस तरह से उन्होंने काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। तो किसान साथियों, मैं इस एलेन कंपनी का, ये जो त्रिशूल कंपनी का एलेन है, इसका स्प्रे करता हूँ मैं। आप कोई भी कंपनी का कोई भी ले सकते हैं, मैं कोई ऐसा पर्सनल ये नहीं कहूँगा कि आपको इस कंपनी का स्प्रे करना है। ये कीटनाशक है, मैं शुरुआत से ही इसका ही स्प्रे करते आया हूँ। और ये देखिए आप, मैं सिरिंज की सहायता से ये एक टंकी में 15 लीटर डालनी, वो 15 लीटर की एक टंकी में आपको 15 ml डालना है। और ये जो सिरिंज है, ये 5 ml की। तो किसान साथियों, हमने ये जो स्प्रे है वो कर दी है। और जो इसका स्प्रे करते समय जो
वीडियो मैं नहीं बना पाया क्योंकि कल शाम को जो है हवा काफ़ी तेज़ चल रही थी, जिससे कि अंधेरा हो गया था हमें स्प्रे करने में, और हमने रात में टॉर्च की सहायता से स्प्रे की है। तो इसके लिए कोई ख़ास ज़्यादा उसकी इंसेक्टिसाइड की ज़रूरत नहीं है, कोई ज़्यादा हैवी कीटनाशक की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये जो बेर के जो पौधे होते हैं, कोई सा भी बेर हो, ज़्यादा इतना वो नहीं है कि उसके लिए ज़्यादा हैवी ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़े। सबसे कम लागत में और जो अच्छा मुनाफा देने वाली जो फसल है ये बेर की ही है, और काफ़ी जो अमरूद हैं या कोई भी है उसके लिए तो काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, काफ़ी जो कीटनाशक वगैरह उनके लिए काफ़ी रोग आते हैं, इसमें कोई रोग भी नहीं आता है। इसमें ज़्यादातर मैं कभी कभी कोई फंगीसाइड दे देता हूँ, और ये कीटनाशक है ये मैं इसका इस्तेमाल करता हूँ। तो किसान साथियों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। नमस्कार।